कांग्रेस वालों चरणजीत सिंह चन्नी नूं सीएम दा चेहरा ऐलानण तों बाद कांग्रेस ते शब्दी वार करदे होए श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पहली बार होया है कि कांग्रेस ने माफिया किंग नूं अपना सीएम दा चेहरा बनाया। इस तों इलावा सौदा साध नूं दित्ती पैरोल ते सुखबीर बादल ने बोलदे होए कहा कि इह बीजेपी दी चाल है अते इक चोण स्टंट है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जित्तण दे लई हर तरह दे हथकंडे अपना रही है। रूपनगर दे विच आम आदमी पार्टी छड्ड के अकाली दल विच शामिल होए साबका एसजीपीसी मैंबर जरनैल सिंह औलख नूं पार्टी विच शामिल करन तों बाद मीडिया नाल रूबरू हुंदे होए पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अते कांग्रेस पार्टी ते शब्दी वार करदे होए इह सब गल्लां कहीयां। आम आदमी पार्टी छड्ड के अकाली दल विच शामिल होए जरनैल सिंह औलख ने कहा कि आम आदमी पार्टी दे विच वर्करां दी कोई पुछ पड़ताल नहीं है। इस तों इलावा डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने भी बीजेपी ते शब्दी वार कीते। देखो जी साडा जुडिशियल सिस्टम है, जस्टिस का सिस्टम है, जेलों का जिहड़ा कैदियों की रिहाई का सिस्टम है, ये उत्ते किसी तरह की राजनीति जो होंदी है तो वह अनकॉन्सटीट्यूशनल भी है, इलीगल। एक पासे भाई राजवाणा साहब जिन्हां की 24-25 साल की कैद हो चुकी है, अपनी कैद तो डबल सज़ा कट ली, अपने फादर के भोग वास्ते एक घंटा दिता जाता, कितना इनह्यूमन काम है फादर के भोग। जिहड़ा बंदा जिहड़ा हैगा अपनी सज़ा तो डबल सज़ा कट चुकिया, प्रोफेसर दविंदर सिंह भुल्लर अपनी सज़ा तो डबल सज़ा कट चुकिया, उहदी रिहाई वास्ते केजरीवाल दे जिहड़ी सरकार है उहने 3 वारी फाइल रिजेक्ट कर दित्ती, ते एक बंदा है जिहनूं 3 उम्र कैदां होईआं और हीनस क्राइम दे विच होईआं होईआं, उहनूं तुसीं इस वेले इलैक्शन दे टाइम दे उत्ते, इलैक्शन दे वेले तां लाइसेंस हथियार भी लोगों के जमा करा लेंगे, एंटी सोशल एलीमेंट जोड़े होंगे उन्होंने चैकिंग शुरू हो जाती है कि कितने जाके काम ना खराब कर, तो इस मौके के उत्ते योजे बंदे जी परोल देनी एक बिल्कुल क्लीयर कट है कि पोलीटिकल और बीजेपी में यह खिवाजा भी भुगतना पड़ेगा। मकसद की ये असं हूँ ढींसा साहब तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पुछते हैं जो उनके नाल खड़े कि तोड़ा की स्टैंड है, इन्होंने दोनों अपनी स्थिति इन्होंने भी स्पष्ट करनी चाहिए जी धिर डट के खड़ी आ साडे भी जे लालपुरा साहब बीजेपी के कैंडीडेट आ इन्हों भी दसना चाहिए भी ये की जी षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, इन्होंने भुगतनी तो पेगी। पंजाब का माहौल खराब हो सकता जी इस तरह नहीं, मैं तो कहा भी निके निके जे केसों वाले पुलिस बुला बुला के पुछती है तो जिन्हें एडे एडे वे केस है उन्होंने तुम परोल दे रहे हो। इन्होंने जो सवाल किया जी कांग्रेस में तो वो कहने कोर्ट का मैटर है जी, असं ये बारे कुछ नहीं कहना चाहते, फिर असं क्या जी भी श्रोमणी कमेटी ने सब तो पहले इतराज जताया, कहने सब तो पहले माफ़ी भी उन्होंने नहीं राजवाड़ा का कोर्ट तो बहर है, उदों तो रणजीत सिंह बिट्टू प्रेस कॉन्फ्रेंस करता जदों भाई राजवाड़ा की गल होंदी है उदों तो कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कोर्ट तो बहर थोड़ी फिर उत्थे भी चुप करके वेट करनी चाहिए भी जो फैसला होवे करनी चाहिए, बाकी थावां दे उत्ते तुसीं राजनीति करो इतने आके तुम जी पोलिटिकल बेनीफिट लवो लुकी तो देख दी। सब तो वड्डा पहली बार कांग्रेस ने माफिया किंग नू अपना चेहरा बनाया, तो चन्नी साहब को कहा जाता है कि जी असी एससी परिवार करके असी बनाया, पर चन्नी साहब वो है जिन्होंने 5 साल एससी बच्चों पढ़ा पढ़ नहीं दिता, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਰੱਖੀ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਆਈ 6 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਗਲਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ
देखो ये किसी ने की दिता की लिता ये तो नहीं पता, पर यह गल जरूर सी चढ़े जी चढ़े ना तहत की मैं कहा सी थोड़ा। दस साल बाद एजेंडा पूरा जितावे, अकाली दल जितूगा ता ही साड़ी सर्वाइवल है। रूपनगर तो सज्जन सिंह सैनी दी जीरो लाइन टीवी दे ले रिपोर्ट।